नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। ये चंद्र ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, देश दुनिया पर, आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि इस चंद्र ग्रहण की विशिष्टताएं क्या हैं और इस चंद्र ग्रहण में आपको किन बातों का ध्यान बनाए रखना है। इसके अलावा बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना है और किस तरह के फायदे आपको आने वाले सप्ताह में होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। चंद्र देव का मूल मंत्र मानते हैं इसको। अगर कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है या चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है या चंद्रमा कुंडली में खराब है जिसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं आ रहे हैं, तो रोज शाम को सूर्यास्त के बाद या बेहतर होगा कि रोज मध्य रात्रि को इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप अगर रोज शाम को या रोज रात में आप करते हैं तो चंद्रमा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। इस मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से या मोती की माला से। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस साल के पहले चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, उस चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये साल का पहला संपूर्ण चंद्र ग्रहण है। 2022 में पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण था, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और 2022 का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 16 मई को हो रही है। ये 16 तारीख को सुबह 7:02 पर आरंभ होगा। अगर हम भारतीय समय से समझना चाहें तो 16 तारीख को सुबह 7:02 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और ये चंद्र ग्रहण 16 मई को ही दोपहर में 12:20 पर समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण विशाखा नक्षत्र में होगा। इसका आरंभ जब होगा सुबह 7:00 के आसपास, जब ये ग्रहण शुरू होगा, तो उस समय चंद्रमा होगा तुला राशि में, और जब ये ग्रहण समाप्त होगा दोपहर में 12:00 के आसपास, तो उस समय चंद्रमा होगा वृश्चिक राशि में। यानी 3 बिंदु इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो विशाखा नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, दूसरा तुला राशि प्रभावित हो रही है क्योंकि ग्रहण की जो शुरुआत है वो तुला राशि में हो रही है, और तीसरा वृश्चिक राशि इससे प्रभावित हो रही है क्योंकि ग्रहण का समापन वृश्चिक राशि में हो रहा है। ये जो ग्रहण है ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। साउथ कोस्ट के इलाके में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। ब्लड मून जहां भी दिखेगा, ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, ब्लड मून कहेंगे इसको, लेकिन ये ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। जब भारत में विजिबल नहीं होगा तो हमारे जीवन पर असर कैसे डालेगा और क्यों डालेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण में बेसिकली 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु। अब इसमें होगा क्या कि चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं
कि मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, आपको ग्रहण काल में कुछ खाना पीना नहीं है, आप ग्रहण काल में सोएंगे नहीं, ये जो सूतक के तमाम नियम होते हैं ग्रहण के, वो कोई भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि शास्त्र बहुत स्पष्ट कहता है कि ग्रहण जहां दिखाई नहीं देगा वहां सूतक के नियमों का पालन नहीं करना होगा। ठीक है, लेकिन चंद्रमा बुरी तरह प्रभावित होगा, चंद्रमा तो प्रभावित होगा ही इस ग्रहण से, शनि और सूर्य भी एक साथ चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। अब चंद्रमा अमेरिका में हो या भारत में हो, चंद्रमा तो एक ही है, और चंद्रमा जब इस कदर प्रभावित होगा, शनि और सूर्य एक साथ प्रभाव डालेंगे, तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। चंद्रमा अमेरिका में प्रभावित होगा या इंडिया में होगा, चंद्रमा प्रभावित होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का चंद्रमा एक ही है, और चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से इस ग्रहण का प्रभाव, इस संयोग का प्रभाव और इस परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर राशि पर पड़ेगा। तो आप ये बात तो समझ लीजिए कि सूतक के नियम वास्तव में लागू नहीं होंगे, किसी तरह की कोई वर्जना नहीं है, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर और हम सबके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जरूर पड़ेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है, शशि जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं, बताइए। जी पंडित जी नमस्ते सर। जी नमस्कार पंडित जी, हमारी बिटिया हुई थी 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल 2022, समय बताइए। समय है 12:24 दोपहर का। जी, कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या सवाल है पंडित जी। ये पूछना था कि जैसे कि नाम रखना है इनका बिटिया का हमको, तो किस नाम से रखते हैं और इनका आगे का जो ग्रह दशा कैसी रहेगी? थोड़ा सा तबीयत बीच में खराब हो जाती है बार बार। इतनी छोटी बच्ची के भविष्य के बारे में तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ आपकी सहायता कर देते हैं। कुंडली जो इनकी बनती है वो कर्क लग्न की बनती है और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, क अक्षर से राशि नाम होगा, लेकिन जो राशि नाम होता है उस नाम से पुकारने का नाम नहीं रखा जाता। पुकारने का नाम सामान्यतः उस ग्रह का होना चाहिए जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक मजबूत है। आपकी बिटिया की कुंडली में जो सर्वाधिक मजबूत ग्रह है वो शनि है, मकर में बैठा है, सप्तम स्थान में दिग्बली होकर के। तो ग अक्षर से या श अक्षर से, जी या एस, इस अल्फाबेट से अगर नाम रखा जाए तो आपकी बिटिया का भविष्य उज्जवल होगा। और अभी कम से कम 8 साल तक कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 8 साल तक आप सामान्य जो देखभाल कर सकते हैं वो करते रहिए। नाम आप अच्छा सा रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंडली की विस्तृत व्याख्या 8 वर्ष के बाद होगी। चलिए अब आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 16 मई 2022 से 22 मई 2022 का सप्ताह अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है, सप्ताह शुरू होगा थोड़ा सा टेंशन तनाव आपको रह सकता है। स्वास्थ्य की स्थितियां भी सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। एक तरफ तो मानसिक तनाव है और तनाव ज्यादा होगा तो सेहत बिगड़ेगी, ये संभावना सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही है। राहत की बात इस सप्ताह में ये है कि धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, पैसे को लेकर के मुश्किलें नहीं हैं और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, करियर में अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और सप्ताह की शुरुआत जितनी मुश्किल दिखाई दे रही है, सप्ताह का अंत उतना ही ज्यादा बेहतर है। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, ये संभावना आपके सितारों में दिख रही है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप शनिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे।
वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और ये शुभ सूचना आपके करियर या आपके विवाह से जुड़ी हुई है। करियर में कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं आप, कुछ लाभदायक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो करियर में कुछ नई और लाभदायक शुरुआत आपकी जरूर हो सकती है। इस सप्ताह में धन का जो आगमन है वो आपके लिए ठीक रहेगा, पैसे आपके रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें या किसी संपत्ति की वजह से इस सप्ताह में आपको लाभ हो जाए। अभी भी इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का और अपने मानसिक स्थिति का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पहले की तुलना में जरूर बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इसलिए सावधानी बनाए रखिएगा। और इस सप्ताह अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाइएगा, क्योंकि इस सप्ताह रिश्तों पर ध्यान देना जरूरी होगा और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, जिनको निभाने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप इस सप्ताह में सोमवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके स्वास्थ्य और आपके मन के मामलों में सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य सप्ताह शुरू होते ही बेहतर होगा, आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती दिखाई दे रही है। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी, पैसे आते रहेंगे और काम आपका अच्छी तरह से चलता रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत के बारे में हो सकता है इस समय आप विचार करें, किसी नए काम की तरफ आप जाएं, ये संभावना बनती है। लेकिन दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करें, दूसरों के चक्कर में परेशान हो सकते हैं, इसलिए दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा इस सप्ताह में, वही आपके लिए बेहतर होगा। और इस सप्ताह में प्रेम के मामलों में, लव अफेयर के मामले में और वाहन चलाने के मामले में आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रेम के मामलों में भी दिक्कत हो सकती है और वाहन चलाने में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश जी हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। महेश जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। ओ, मेरे तीन बेटे हैं जी, उनकी नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, क्या समस्या है? पहला बेटा है नीरज कुमार, उसकी डेट ऑफ बर्थ 13/12/82। समय बताइए नीरज का। है अजीत कुमार। पहले नीरज का तो पूरा करिए, उसका समय बताइए। सुबह 7 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। अब आप पूछिए प्रश्न क्या है नीरज के लिए। नौकरी नहीं लग पा रही उसकी जी। देखिए जो कुंडली नीरज की हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से शनि की स्थिति अच्छी नहीं है और इस कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि इनको नौकरी की संभावनाएं बहुत कम हैं। अगर कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई इस कुंडली में तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये कुंडली व्यवसाय वाली है, उनको व्यवसाय में ले जाने का प्रयास करें तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इनका बेहतर समय इस साल के अक्टूबर महीने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर 2022 से इनका समय बेहतर होगा। खाने पीने की चीज़ का, जनरल मर्चेंट का, ऑटोमोबाइल का अगर ऐसा कोई व्यवसाय करें तो वो इनके लिए बेहतर होगा। नौकरी में सफलता की बहुत उम्मीद कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इनसे कहें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो जो करियर की बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी।
अब आ जाते हैं इस ग्रहण की सावधानियां समझते हैं और इस ग्रहण के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान इस चंद्र ग्रहण पर रखना होगा, किन सावधानियों का पालन करना होगा उसको समझते हैं। देखिए, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं होगा। आपको शुरुआत में बताया कि साउथ कोस्ट में अमेरिका के कुछ इलाकों में दृश्य होगा, लेकिन भारतवर्ष में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। सूतक के नियम होते हैं ना कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, ग्रहण काल में आप भोजन नहीं कर सकते, ग्रहण काल में आप सोएंगे नहीं, मंत्र का जप करेंगे, गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखेंगी। बट चूंकि ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो इस तरह के किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह के भोजन और विश्राम की वर्जना नहीं है। आप खाना खाना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें इस ग्रहण का फायदा उठाना, इस ग्रहण का लाभ उठाना, तो जो ग्रहण का समय है 16 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, इस समय में अगर आप चाहें तो मंत्रों का जप कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण से आपको कोई दिक्कत ना हो, चंद्रमा आपको कोई समस्या न पैदा करे, तो चंद्रमा की बाधाओं के निवारण के लिए ग्रहण के बाद आप दान भी कर सकते हैं। तो ग्रहण देखिए भारत में दिखेगा नहीं, इसलिए हम किसी नियम की बात नहीं करेंगे या हम किसी तरह के सूतक की बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितने समय ग्रहण लगा रहेगा, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में, इस समय में मंत्र जप करना, इस समय में पूजा करना, ध्यान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए 12 बजे, उसके बाद जो चंद्रमा की वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है, नारियल है, जो चंद्रमा की सफेद वस्तुएं हैं, अगर आप इनका दान कर दें तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। ग्रहण जिस नक्षत्र में लगता है वो नक्षत्र दूषित हो जाता है अगले 1 महीने के लिए। उसके भी नियम है मुहूर्त विज्ञान में कि ग्रहण अगर संपूर्ण हो तो 1 महीने तक, ग्रहण अगर आधा हो 15 दिन तक, अगर आंशिक हो तो लगभग सप्ताह भर तक आप उस नक्षत्र को शुभ कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ ये समझना होगा कि वहां पर ग्रहण दिखना चाहिए। जैसे अगर भारत में ये ग्रहण दिख रहा होता तो हम कहते कि अब विशाखा नक्षत्र में अगले 1 महीने तक शुभ कार्य नहीं होंगे। वैसे तो विशाखा नक्षत्र आएगा ही 1 महीने बाद, लेकिन अब ग्रहण दिख ही नहीं रहा है तो ये समस्या भी नहीं है कि नक्षत्र में कोई अशुभता पैदा हो गई है। अगर विशाखा नक्षत्र में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य आप करना चाहेंगे 1 महीने के आसपास, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव है ही नहीं, ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए साप्ताहिक राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह शुरू होगा और आपका बड़ा महत्वपूर्ण काम फटाफट बन जाएगा। करियर और धन के मामले में बेहतर सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में आपका करियर बेहतर होगा, आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह में बेहतर होगा। परिवार को लेके, आपसी चीजों को लेकर के जो तनाव था, जो दिक्कत थी, वो दिक्कत इस सप्ताह में दूर हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि किसी मनोरंजक यात्रा पर, किसी घूमने फिरने वाले ट्रिप पर इस सप्ताह में आप जाएंगे, इसके संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो सप्ताह कुल मिला के मोटे तौर पे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करने से आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपने वाणी का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में यहां पर थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा।
सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। आपकी सेहत सप्ताह की शुरुआत में बिगड़ सकती है। परिवार और ऑफिस में बेवजह के तनाव भी सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, यानी सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल समय आपके लिए हो सकता है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। इस सप्ताह के बीच से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। और धन की स्थिति भी आप देखें, बुधवार के बाद से आपकी धन की स्थितियां भी इस सप्ताह में बेहतर बनी रहेंगी। शुरुआत में मुश्किल जरूर है, लेकिन सप्ताह का अंत आते आते आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, ये संभावना आपके सितारों में दिखाई दे रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा। तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करें तो वो महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से काफी दौड़ भाग है आपके लिए, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। करियर संबंधी कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकती है। करियर संबंधी कोई फायदा इस सप्ताह में आपको हो सकता है। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। व्यस्तता तो जरूर है, लेकिन व्यस्तता फायदेमंद है, उस व्यस्तता से धन का आपको लाभ होगा। ध्यान कहाँ रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से डाइजेशन का, और अपने संतान पक्ष का ध्यान भी इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। इस सप्ताह किसी आकस्मिक यात्रा पर आपको अचानक जाना पड़ सकता है, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन निपटाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब ये जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के सामान्य प्रभाव क्या होंगे। सामान्यतः चंद्र ग्रहण देश दुनिया पर कैसा असर डालेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 15 दिन से एक महीने तक बना रहेगा। इन 15 दिन से एक महीने के बीच में आप देखेंगे कि देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ेगी। समुद्र तटीय जो इलाके हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, समुद्र तटीय जो इलाके हैं वहां पे विवाद भी हो सकता है और वहां पर समस्याएं भी निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। युद्ध की जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए पॉज मोड में जा सकती है, कुछ समय के लिए थमती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ समय की ही बात है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए युद्ध रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वजह से, सूर्य ग्रहण की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से, जो ग्रहणों का लगातार प्रभाव आ रहा है कि पहले सूर्य ग्रहण आया फिर चंद्र ग्रहण आया, इनकी वजह से क्या होगा कि महंगाई एक तो बढ़ेगी और दूसरे महंगाई बढ़ने से जनता का आक्रोश भी बढ़ेगा। जगह जगह प्रदर्शन और तमाम तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो देखिए, भारतवर्ष की जो राशि है वो कर्क राशि है। स्वतंत्र भारत की राशि की कुंडली कर्क राशि की है और चंद्रमा उसका स्वामी है, और चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। और किसी महिला राजनेता के जीवन के लिए या किसी महिला कलाकार के लिए ये समय कठिन हो सकता है। किसी महिला राजनेता या महिला कलाकार का अवसान हो सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है। ग्रहण के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आम तौर पर गर्भवती महिलाओं को लेकर के ग्रहण के समय में बहुत सारे सवाल पैदा किए जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई ग्रहण का समय है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, या मेरे घर में कोई गर्भवती महिला है, सोएगी कि नहीं, खाएगी कि नहीं, क्या करेगी, कोई बुरा प्रभाव ना पड़ जाए। देखिए, मैं बता दूं कि गर्भवती महिला के गर्भ पर ग्रहण का असर ज़रूर पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये असर ज़्यादा तब होता है जब गर्भवती महिला ये सोचती है कि ग्रहण का समय चल रहा है, मैंने ग्रहण देख लिया है, या मैं ग्रहण के प्रभाव में हूँ,
तो बुरा ना हो जाए। जब उसके मन में ये भय पैदा होता है तो चूंकि उसका मन बच्चे के मन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो निश्चित रूप से बच्चे के अंदर उसका प्रभाव आ जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला ये सोचे ही नहीं कि कुछ गड़बड़ होगा, वो ये सोचे कि सामान्य सी घटना है, कोई बात नहीं, मैं भगवान की पूजा उपासना करूंगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर वो महिला ऐसा सोचती है तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप गर्भवती हैं, पहले तो भारत में दिखेगा ही नहीं ग्रहण, तो आपको कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है कि ग्रहण काल में सोना नहीं है, खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोना चाहिए सोइए, खाना चाहिए खाइए, ऐसी कोई मनाही नहीं है आपको। और मन में ये बिल्कुल विचार मत लाइए कि ग्रहण पड़ रहा है तो उसका आपके बच्चे के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मन में शुभता बनाए रखेंगी तो ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। अब जानते हैं साप्ताहिक राशि फल तुला राशि का। देखिए, तुला राशि की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत होने के साथ ही धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। तुला वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग हैं और इस समय छोटे छोटे कामों से भी आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बड़ा काम आएगा, बड़ा मौका मिलेगा तभी मैं कोशिश करूंगा। छोटे मौके मिले तो उनको भी पकड़ लीजिएगा। इस समय छोटे छोटे कामों से आपको बड़े लाभ की संभावना दिख रही है। और चूंकि सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है तो मैं ये कहूंगा कि अपने सारे महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप निपटा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है, और जिम्मेदारियों पर भी ध्यान बनाए रखें, अपनी लाइबिलिटीज पर भी ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में, किसी पूजा उपासना में आप व्यस्त रहेंगे, कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, कहीं किसी अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की संभावना सप्ताह के अंत में आपके लिए बन रही है। बुधवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम बनेंगे। अगर कोई करियर का काम रुका हुआ है या कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम रुका हुआ है, सप्ताह की शुरुआत में यह काम आपका बन जाएगा। मानसिक तनाव इस सप्ताह में कम दिखाई दे रहा है और पिछले दिनों आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहा है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी, धन को लेकर के इस सप्ताह में मुश्किल नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि के लोग इस समय नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या नए काम के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ठीक रहने वाला है। देखिए, सप्ताह बहुत अच्छा है और बहुत सारे मौके, बहुत सारी सफलताएं आपके लिए दिखा रहा है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि इस सप्ताह समय का सदुपयोग करें, महत्वपूर्ण काम अपने निपटा लें इस सप्ताह में तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो उसमें सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत बिगड़ सकती है, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में और रिश्तों में बेवजह का तनाव हो सकता है, ऑफिस में खास तौर से बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं, शांति रखें तो बेहतर होगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी, यानी बुधवार से आपकी चीजें लगातार बेहतर होंगी, ऐसी संभावना बन रही है। और इस समय आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो भी परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और करियर में आपके धन की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो इसके परिणाम आपके लिए शुभकारी होंगे।
अंतिम तीन राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिन से लेकर एक महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि की बात करें, देखिए मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप इस समय धन हानि से बचाव करिएगा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि ग्रहण की वजह से स्वास्थ्य की और दुर्घटनाओं की दिक्कत आपके साथ हो सकती है। वृषभ राशि, रिश्तों या परिवार में आपके समस्या होती दिखाई दे रही है, इसलिए वृषभ वालों को पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हो सकता है इस समय आपका, या कोई चोट चपेट की नौबत आ सकती है। थोड़ी सावधानी वृषभ राशि वाले अगले 15 दिन एक महीने तक बनाए रखेंगे। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान बनाए रखिएगा इस सप्ताह में या आने वाले समय में। जो ग्रहण का प्रभाव है वो ये कह रहा है कि सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, बेवजह की मुकदमेबाजी हो सकती है। हालांकि देखिए धन का मामला आपके लिए ठीक है, आकस्मिक रूप से आपको धन का फायदा भी इस ग्रहण की वजह से मिल सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपना अगले एक महीने तक, अगले 15 दिनों तक विशेष ध्यान रखेंगी। शिक्षा और करियर के मामले में इस समय कर्क वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम बिगड़ सकते हैं, इसलिए मेहनत बढ़ा दीजिएगा। सिंह राशि, अगले एक महीने की बात करें ग्रहण के प्रभाव की, तो स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय धन के लेन देन में भी अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, ग्रहण की वजह से आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है, अगले एक महीने के बीच में गेन होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन किसी परिजन के, परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है, अचानक समस्या हो सकती है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत ग्रहण की वजह से दिखाई दे रही है। बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का प्रभाव क्या है, अगले एक महीने तक ग्रहण उनके ऊपर कैसा असर डालेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, सप्ताह शुरू होगा पैसे आने शुरू हो जाएंगे, करियर में कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलती जाएगी, उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में प्रमोशन होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है, धन का इंक्रीमेंट दिख रहा है। इस समय अपनी योजनाओं को आप गोपनीय रखिएगा, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी योजना क्या है, जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। और इस सप्ताह ध्यान रखिएगा अपने खान पान का और वाहन चलाने का, तो सप्ताह आपके लिए शुभ होगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है, अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन करें तो आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से व्यस्तता बहुत है और इस सप्ताह में काफी दौड़ भाग, काफी मेहनत आपके साथ दिखाई दे रही है। हालांकि धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और इस सप्ताह में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। संपत्ति और वाहन का लाभ इस सप्ताह में हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इसके अलावा वाहन ले सकते हैं, इसके लाभ की संभावना भी बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य में इस समय छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो आप उसको नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि छोटी समस्याएं आगे चलकर के बड़ी हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम, खासतौर से पैसे का, बन सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में विशेष अनुकूल रहेगा, अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन निपटाइए, काम आपके जरूर बनेंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर से ये काम विवाह या करियर से संबंधित हो सकता है। करियर और शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिल सकती है, ये संभावना बनी हुई है।
रिश्तों को लेके, आपसी संबंधों को लेकर के जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें भी सप्ताह में हल हो जाएंगी। देखिए, करियर में परिवर्तन का समय चल रहा है, लेकिन आप करियर में बहुत रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय करियर में बड़ा रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और सप्ताह के अंत में चोट चपेट से और विवादों से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए शुभ होगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाते हैं तो काम आपके जरूर बन जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि बाकी बची हुई राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले एक महीने तक। तो मेष से लेके कन्या तक हम बात कर चुके हैं, बात करते हैं तुला की। देखिए, अगले एक महीने तक स्वास्थ्य की समस्या का और दुर्घटना का आपको ध्यान रखना होगा। सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है। लिखा पढ़ी के काम में भी अगले एक महीने तक सावधानी रखिएगा। किसी भी पेपर वर्क में लापरवाही मत करिएगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्याएं अगले एक महीने में थोड़ा परेशान कर सकती हैं और हो सकता है कि इस समय में आपकी आंखों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। सावधानी रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लापरवाही करेंगे तो धन और संपत्ति का नुकसान इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, अगले एक महीने में आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वो करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और इंटरनली भी कोई पोजीशन में परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना बन रही है। यात्राओं में अगर आप सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय यात्राएं आप करेंगे अगले एक महीने में और उसमें दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। मकर राशि, अगले एक महीने में ग्रहण की वजह से धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बनेंगे। पैसे का बढ़िया फायदा आपको होगा और रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी अगले एक महीने में आपके बनेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हल हो जाएंगी जो बहुत समय से रुकी हुई थी, लटकी हुई थी, इस समय फटाफट हल होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, करियर और शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आराम पूरा करिएगा, वर्क प्रेशर मत पालिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में, मानसिक स्थिति के मामले में आपकी दिक्कतें हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान अगले एक महीने तक बनाए रखना है। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन चूंकि ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है तो निर्णय जरा सोच समझ कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए प्रभाव अगले एक महीने तक बड़ा शुभ है और कुछ लोगों के लिए इसका प्रभाव अगले एक महीने तक शुभ नहीं है। अब अगर इसके प्रभाव आपके लिए शुभ ना हो तो क्या उपाय करेंगे? ग्रहण काल के दौरान, यानी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक का समय होगा लगभग, इस समय में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा। ग्रहण काल में नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भगवान शिव ही चंद्रमा की शक्ति हैं और जब आप भगवान शिव का मंत्र जपेंगे तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था मैंने, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, चंद्रमा के इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। और जब आप मंत्र जप कर लें, भगवान शिव का मंत्र जरूर जपिएगा और जपने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाए। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करिएगा।
चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है, इसका दान आप कर दीजिएगा दोपहर 12:20 के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें या किसी धर्म स्थान पे कर दें। अगर आप सफेद वस्तु का, चंद्रमा की वस्तु का दान करेंगे तो क्या होगा कि चंद्रमा का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव या चंद्र ग्रहण का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण की समस्या का समाधान जो है वो चंद्र ग्रहण में ही छिपा हुआ है, यानी चंद्र ग्रहण के दौरान उस समय में आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, चंद्र देव की पूजा करनी है और चंद्र ग्रहण के पश्चात ही दान करेंगे, ग्रहण में दान नहीं करेंगे। चंद्र ग्रहण के पश्चात आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे तो चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। अब एक बात और ग्रहण के बारे में जानिए, ग्रहण जिस दिन होता है, जिस दिन ग्रहण की स्थिति बनती है आकाश में, उस दिन आपके द्वारा की गई प्रार्थना, आपके द्वारा किया गया मंत्र जप और आपके द्वारा किया गया ध्यान परफेक्टली अच्छा होता है, बहुत उत्तम रहता है। और ग्रहण लग रहा हो, आपके देश में नहीं दिख रहा हो, इससे ऐसा नहीं होगा कि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो जल के इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ पर मौसम को लेकर के और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं ये नहीं कहेंगी कि भारत में नहीं दिखे तो यहाँ नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित होगा। आपको ये कहना चाहूँगा मैं कि मान लिया किसी बुरी ग्रह की आपकी दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है बुरी, आपकी बृहस्पति की बुरी दशा चल रही है, आपकी राहु की बुरी दशा चल रही है, तो आप ऐसा करिएगा कि ग्रहण काल में जिस बुरी दशा से आप परेशान हैं, जिस नकारात्मक दशा से आप परेशान हैं, उसके स्वामी ग्रह के मंत्र का जप कर लीजिएगा। अगर बृहस्पति की दशा नकारात्मक चल रही है या बृहस्पति की वजह से आपको कोई दिक्कत है, तो ग्रहण काल में सुबह 7 से दोपहर के 12:20 के बीच में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप कर लेंगे तो बहुत शुभ होगा। इसी तरह से राहु की बुरी दिशा चल रही है तो ग्रहण काल के दौरान ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। यानी अगर आप किसी बुरी ग्रह दशा से परेशान हैं तो ग्रहण काल में ईश्वर आपकी उस समस्या को ग्रहण कर लेंगे और आपको उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम उस ग्रह की 3 या 11 मंत्र का जप करके आप प्रार्थना करिएगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो गुड लक स्पेशल के आज के अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सास बहू और पेटिया में लेकर हाजिर है हम एंटरटेन